हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने अपने किचन की सफाई करी है, क्लीन किया अच्छे से। तो इस तरफ मैंने रख दी है सब्जी और ये कर दिया मैंने अपने किचन को साफ। ये जो है इनसे मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, इसमें मैं अपना कैमरा लगा के, और ये जब मुझे लाइट की ज़रूरत होती है तो मैं इस लाइट को जला लेती हूँ, लैम्प को। तो आज मैंने अपने किचन को अच्छे से साफ़ किया है, करती तो रोज ही हूँ लेकिन आज मन लगा के किया है। आज मैंने सारे कंटेनर, अपने सारे डिब्बे जो हैं, इनको सबको धोया है। और ये इसमें नमक, मिर्च मसाला, सौंफ, खड़ा मसाला और अजवाइन, जीरा, मेथी दाना, ये देखिए इसमें सारा सामान भरा हुआ है, राई। और ये हैं डिब्बे मेरे, नीचे छोटे छोटे डिब्बे हैं, ये कॉफ़ी के पाउच हैं, अचार हैं, इसमें काला नमक। बाकी ये जो सारे डिब्बे हैं मैंने साफ़ कर दिए, ये मैंने दालें रखी हुई हैं। और गुड़ को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख लेती हूँ। और ये मेथी, कस्तूरी मेथी लेकर आए थे पैकेट वाली, तो बहुत ज़्यादा सिली पड़ी, सिली हुई थी, जो सिल जाती है, नरम नरम हो जाती है, तो सब्जी वगैरह में डाला तो क्रश नहीं होती थी अच्छे से। तो इसको मैंने धूप में सुखा के फिर इसको डिब्बे में रखा, अभी अच्छे से क्रश हो जाती है, इस तरह मस लो तो अच्छे से हो जाती है। तो ये मैंने करेले के सूखे बनाए हुए हैं, करेलों को सुखा करके, जब से करेले नहीं मिलेंगे बाजार में, मार्केट में, उस टाइम पर मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। और ये मैंने साबुत लाल मिर्चे रखी हुई हैं कड़ी में तड़का लगाने के लिए, दाल में तड़का लगाने के लिए। अब बाकी ये मेरा सामान सारा, ये घर की सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, ये इनकी डिब्बी है। ये मैंने नमकदानी रखी है। और गाइज ये मेरा सिलबट्टा है, ये देखिए मेरा सिलबट्टा है, इसमें मैं चटनी पीसती हूँ, लहसुन कूटती हूँ और मसाला, छोटा मोटा मसाला पीस लेती हूँ। और ये है मेरी ट्रे। तो आज मैंने अपने किचन को क्लीन किया है अच्छे से, और ये हमारे नीचे सामान रखा हुआ है। तो गाइज जिस सामान को मैं यूज़ नहीं करती, मैंने वो सामान कम यूज होता है उसको मैंने ऊपर रखा हुआ है, इसे मैं कम यूज़ करती हूँ तो इसे ऊपर रख दिया। बाकी जो मेरे डेली यूज़ के काम आते हैं वो सामान मेरा यहाँ रखा हुआ है। और ये हमने आरओ फिट करा रखा है यहाँ पे। बाकी ये बर्तन है। आज मैंने रसोई को बहुत अच्छे से सफाई करी है, सफाई तो डेली होती है लेकिन रह जाता है थोड़ा बहुत, और कितनी जगह हो फिर भी जगह भरी रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है, कोई जगह खाली नहीं है। जबकि खिड़की खाली होनी चाहिए लेकिन मैं खाली करती हूँ, फिर भी सामान यहाँ आ ही जाता है। तो हमने एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है, इसमें हम सब्जी के छिलके वगैरह इसमें डाल लेते हैं। और ये स्टूल लिया हुआ है, वो सबसे ऊपर, वहाँ हाथ नहीं पहुँचता है उस ऊपर, तो मैं इसको स्टूल को लगा करके तो ऊपर से सामान निकालती हूँ। और ये हमारा ओवन है, ये केतली है, और ये मेरा जो है इसमें मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है जो बचा हुआ रहता है, या मेरे कांच के बॉल्स वगैरह हैं, गिलास, कटोरियाँ और नमकीन बिस्किट के, मतलब बहुत सारा सामान इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। मेरे इसमें बहुत सारा सामान आया हुआ है इसके अंदर, बहुत बड़ी जाली है ये। और गाइस ये फ्रिज है हमारा। आज मैंने आपको कोई रेसिपी नहीं दिखाई है बना करके, कोई खाना वगैरह नहीं बनाया मैंने, आज मैंने किचन की सफाई करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। आप लोग बताना मैंने कैसे किचन को साफ किया है। ये जो टैले हैं ना, इनको मैंने गर्म पानी करके सरफ डाल के और कपड़े से साफ किया, बिल्कुल दाग छींटे चले जाते हैं सब्जी के, तो इसको मैंने गर्म पानी से साफ किया है। तो गाइज आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट, सब्सक्राइब, और आप लोग कमेंट किया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो कमेंट जरूर किया करो। तो बस जो नए देख रहे हो वो मेरी वीडियो को कमेंट जरूर करना। थैंक यू, आप लोग हौसला बढ़ाते रहिए हमारा। थैंक यू।